हेलो गाइस, पैरंट डिजिटल न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे हॉलीवुड से रिलेटेड काफ़ी कमाल के अपडेट के बारे में। क्या हो अगर हमारी धरती पर, हमारे भारत देश में बंदर राज करने लग जाए और हम इंसान सब छुप के रहने लगें और बंदर हमें ढूंढ ढूंढ के मारें, हम पे अत्याचार करें, वो हमें नौकर बनाए। जी हाँ, यानी कि इंसान प्रजाति सबसे अव्वल है। जिसके पास दिमाग है वो अपना दिमाग का यूज़ कर सकती है, पर आने वाले टाइम में कुछ ऐसा हो जाए कि एक्सपेरिमेंट के कारण बंदर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन गए, वो अपना दिमाग यूज़ कर सकते हैं और हम इंसान दूसरे नंबर पे आ जाए और बंदर इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए कि वो हम पर अत्याचार करने लगें। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बट इसका एक जवाब है हॉलीवुड के पास। एक मूवी है प्लैनेट ऑफ द एप्स, उससे रिलेटेड बहुत ही कमाल का अपडेट है। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। तो चलिए स्टार्ट करते दिस वीडियो। ओके गाइस, तो आज हम बात करेंगे प्लेनेट ऑफ द एप्स के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आप क्या करोगे ऐसी स्थिति में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसका आंसर दूंगा कि आप कहां तक सही हो। अगर आपने प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी देखी है तो आपको ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अब इस सीरीज की बात करी जाए तो उसमें काफ़ी सारी मूवीज आई हैं। अगर जहाँ तक की बात करी जाए तो 1960s में ये सबसे पहले इसका पार्ट रिलीज हुआ था। फिर उसके बाद मेकर्स ने इसके कई सारे पार्ट्स बनाए, इस सीरीज को पूरा रिबूट करा और उन्होंने कुछ अच्छा अच्छा नया दिखाया हमें। बट सबसे ज़्यादा जो सक्सेस रही थी वो 1960s की पहली मूवी रही थी प्लेनेट ऑफ द एप्स, जो कि बहुत ही कमाल का सुपरहिट मूवी रहा था उस टाइम में। बट उसके बाद काफ़ी सारी मूवीज़ आई जो कि फ्लॉप टू फ्लॉप रहीं, लोगों ने ज़्यादा पसंद नहीं करा इस मूवीज़ को, इसकी सीरीज़ को। फिर हॉलीवुड के जो मेकर्स थे प्लैनेट ऑफ द एप्स के, उन्होंने डिसाइड करा कि इसकी सीरीज़ को दोबारा से रिबूट करा जाए। तो उन्होंने दोबारा से एक मूवी बनाई प्लैनेट ऑफ द एप्स, फिर एप्स ऑफ द वॉर, फिर वॉर ऑफ द प्लैनेट एप्स, इस टाइप की इन्होंने तीन मूवी बनाई। ये तीनों ही मूवी सुपरहिट रही, इसकी स्टोरी बहुत कमाल की रही। फिर मेकर्स ने क्या करा कि वॉर ऑफ द प्लैनेट एप्स जो लास्ट मूवी आई थी उसके बाद उन्होंने डिसाइड करा कि इसको दोबारा से रिबूट करा जाए, क्योंकि उनके पास कोई स्टोरी नहीं थी। बट यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप लगा देती है। अब कोरोना वायरस चल गया, मेकर्स घर बैठे हुए, तो उनके दिमाग में एक नई स्टोरी आ गई है। जी हाँ, अभी अपडेट परसों ही आया है कि बार ऑफ द प्लेनेट एप्स के जो मेकर्स हैं ओरिजिनल, उनका मन में एक आइडिया आया है इसकी स्टोरी को कंटिन्यूस करने का। उन्होंने डिसाइड कर दिया है कि वो उसका फोर्थ पार्ट बनाएंगे, इसको रिबूट नहीं करेंगे और आपको इन फ्यूचर इसका फोर्थ पार्ट देखने को मिलेगा। अब उसकी स्टोरी पर ऑफिशियली वो वर्क भी कर रहे हैं। जी हाँ, अब मैं इस चीज़ को लेकर क्यों खुश हूँ, क्योंकि मुझे ये सीरीज़ पसंद है। इसमें जो सीजर नाम का बंदर है मुझे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और देन साथ ही साथ उसका जो फैमिली का बैकग्राउंड दिखाया है थर्ड पार्ट में, वो तो मेरे दिल से बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हो गई, क्योंकि उसके बेटे के संग जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। और देन अब मैं देखना चाहता हूँ कि सीजर अब आगे क्या करेगा अपनी पूरी सेना को लेकर, और देन इंसानों के साथ क्या होगा। तो ये बहुत देखने लायक सीन होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसका चौथा पार्ट बने और ये रिबूट नहीं हो रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात गाइस और क्या होगी। तो गाइस, अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो जाके देखो, मूवी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली आपके लिए वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक हमें शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे हो, या तो उस पे सीजर के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।